हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप विश्वकर्मा। हिंदी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के बारे में टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स देखने के लिए और सीखने के लिए अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि IRCTC की वेबसाइट पर ना कि IRCTC की जो मोबाइल एप्लीकेशन है उससे आप टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्ले स्टोर में चले जाइए। यहाँ पे आप प्ले स्टोर में IRCTC की जो कनेक्ट वेब जो है ऑफिशियल एप्लीकेशन उस पर चले जाइए। यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो IRCTC का अकाउंट है वो आपने ऑलरेडी अगर बना दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे IRCTC का जो अकाउंट है मैंने ऑलरेडी बनाया है। अगर आपने नहीं बनाया तो मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको बताया कि आप IRCTC का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आके देख सकते हैं। और आपने हमारा वीडियो देख लिया तो जरूर लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना स्टेशन डालना है कि आप फ्रॉम स्टेशन मतलब कहाँ से आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं दादर से डाल देता हूँ बनारसी जंक्शन तक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जर्नी डेट भी डालनी हुई है। जर्नी डेट में आपको क्या डालना है आप यहाँ से आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप मैं 10 तारीख का डेट डाल देता हूँ, यहाँ पे जर्नल ही रहने दीजिए। और यहाँ पे आप सर्च ट्रेन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्च हो रही है। यहाँ पे आपको जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है 11093 महानगरी एक्सप्रेस का, वो ट्रेन आप यहाँ पे देख सकते हैं और वो आ रहा है। तो मैं वो 12 बजे की ट्रेन है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको 3 कोटा दिखाई दे रहे हैं, सेकेंड AC, थर्ड AC और स्लीपर क्लास। मैं स्लीपर क्लास को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको 97 RAC बता रहे हैं, रिजर्वेशन एजेंसी कैंसिलेशन टिकट से ये सब तो वो दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे क्लिक करके और क्लिक करने के बाद ऐड पैसेंजर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पैसेंजर का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं पैसेंजर का नाम डाल देता हूँ और फ्रेंड पैसेंजर की एज डाल दीजिए और यहाँ पे वो फीमेल है कि मेल है वो डाल दीजिए। यहाँ पे आपको बर्थ सिलेक्ट करना है, मैं अपर बर्थ सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे फीमेल डाल दिया, यहाँ पे वो नेशनैलिटी क्या है वो डाल देते हैं। यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे एक पैसेंजर एडिट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके साथ कोई चाइल्ड है या अपर सिटीजन है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वो फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, यहाँ पे बुक के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपने पैसेंजर डिटेल्स देख सकते हैं। तो यहाँ RAC 129 दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्लीपर क्लास है और यहाँ पे IRCTC चार्जेस टोटल फेयर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको कैप्चा दिखा रहा है तो मैं कैप्चा डाल देता हूँ। यहाँ पे आप कैप्चा को राइट भर दीजिए। यहाँ पे मैंने कैप्चा भर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखा रहे हैं, यहाँ पे रिकमेंडेड में आप देख सकते हैं कि पेटीएम दिखा रहा है। मैं पेटीएम से पेमेंट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं पे के ऊपर यहाँ 595 पे के ऊपर अभी क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं पेटीएम के ऊपर क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे 507 रुपये जो बता रहे हैं और यहाँ पे पेमेंट चार्जेस फॉर कार्ड यहाँ पे आप दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं जो पेटीएम वॉलेट है उससे पे करूँगा। तो यहाँ पे आपको जो मेरा पेटीएम वॉलेट है वो डिडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे 1 time पासवर्ड पेटीएम की तरफ से आ रहा है, यहाँ पे रिसेंट भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब जो मेरे फ़ोन नंबर है उसके ऊपर 1 time पासवर्ड आ गया है। तो यहाँ पे जो आया है मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सबमिट के तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पेमेंट दिखा रहा है, मुझे कितना पेमेंट करना है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे मुझे मेरे बैंक से पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे अपना CVV डाल देता हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि पेटीएम में वो फीचर भी ऐड हो गया है, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं ट्रांजेक्शन के टाइम पर। यहाँ पे मैं प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर देता हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने प्रोसीड टू पे कर दिया है। तो यहाँ मेरे बैंक से मैसेज आया और फिर मैं उस OTP को यहाँ पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आपके बैंक से 5-6 रुपीस कट जाएंगे। पेटीएम से पेमेंट करने का आपको यह फ़ायदा होगा कि कुछ कैशबैक आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जनरेटेड टिकट प्लीज पेशेंट, तो यहाँ पे आपका टिकट है जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पे गॉट इट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका टिकट आ गया, आपने टिकट सक्सेसफुली बुक कर दिया है। तो यहाँ पे आप सेव ERC और कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको मैसेज आ गया और IRCTC से भी आपको मैसेज आ गया। यहाँ पे आपका PNR नंबर आ गया, ट्रेन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने टिकट बुक कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप माई बुकिंग्स में भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी एक बुकिंग्स आ गई है। तो आप इसका PNR स्टेटस भी देख सकते हैं और आप यहीं से खाना भी बुक कर सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो जरूर से हम कमेंट सेक्शन में बताना कि आप फूड कैसे बुक कर सकते हैं IRCTC के वेबसाइट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे RAC रिजर्व कैंसिलेशन में 97 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे। और अगर कैंसिलेशन की टिकट है तो भी उसका वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।